पंजाब भाजपा लीडरां दे करियर ते लग सकती है ब्रेक। पंजाब विच नवे लीडर उतारेगी भाजपा। हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरदी। पंजाब को आपको लगता है कि हैंडलिंग जो गलत तरह से हुई है पंजाब की, पंजाब को, पंजाब का जो नेचर है वो इस तरह से नहीं है कि उसको डंडे से चलाया जा सके। पर पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में अगर ये है कि अगर पंजाब में सिचुएशन ख़राब हुई तो वो सरकार के भी काबू में नहीं आएगी। कि ये सरकार इस विषय को बहुत आसानी से कुछ अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में इसको सुलझा देगी। जो NIA का मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों पर धड़ाधड़ पर्चे FIR दर्ज की जा रही हैं। हम तो बढ़ रहे हैं हर स्टेट में, तो हम तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए हमें सरकार की और NIA और सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स की क्या जरूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई बार माहौल खराब होते समय नहीं लगता, कितने बड़े एजिटेशन जब इतने लंबे चले जाएं तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कई बार कुछ ग्रुप्स में। इंडिया फाउंडेशन थिंक टैंक किसान एजिटेशन पर क्या विचार कर रहा है? जैसे आपने कहा कि ये नेशनल एजिटेशन है, मैं इस बात से पूर्ण तरह से सहमत नहीं हूँ। काफ़ी हद तक एक लोकल एजिटेशन है। इतने सारे मुल्कों से, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और कई मुल्कों से जैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से, चुनी हुई सरकार की इमेज डैमेज नहीं हो रही इससे? आपने कभी सुना कि चाइना में डेमोंस्ट्रेशन हुआ है या नॉर्थ कोरिया में डेमोंस्ट्रेशन हुआ? इसका मतलब वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर ऑपोजिशन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखना इतना मुश्किल है, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन किसानों को बैक करके उनको पावरफुल कर सकती है जो खुद पावरफुल नहीं रही? थोड़े लोगों को तो अंग्रेजी में सेंगे ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। क्या ये एक इकोनॉमिकल मुद्दा लगता है आपको या पोलिटिकल मुद्दा लगता है? ये इशू बिल्कुल इकोनॉमिक, लेकिन जब कोई कहता है कि साहब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि हाँ, एक इकोनॉमिक इशू को कुछ लोग पॉलिटिकल तरीके से इसको स्पिन दे रहे हैं और एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको जिंदा रख रहे हैं। पंजाब में BJP की क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो चुकी ऐसे लग रहा है पंजाब में इन दिनों में? अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद का और नेशनलिज्म का और पेट्रियाटिज़म का मैसेज लेकर पंजाब की जनता में के सामने में उतरें, यहाँ पर वो लीडरशिप तैयार करें। आने वाले समय में देखेंगे भी कि BJP अपना बेस्ट टैलेंट यहाँ उतारेगी और यहाँ से ही बड़े बड़े लीडर तैयार करेगी। प्रधानमंत्री दे NSA अजीत डोवाल दे बेटे शौर्य डोवाल दा किसान अंदोलन ते पहला सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अज रात 9 बजे सिर्फ दैनिक सवेरा TV ते।